हाय फ्रेंड्स, आई एम रेशम मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल मिश्रा जी टीवी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीएल के मैच की ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, जो कि राजस्थान का मैच है। तो राजस्थान वर्सेज चेन्नई के मैचेस, तो उसकी मैं ड्रीम इलेवन टीम दूंगा आपको और आप ही के सामने बनाऊंगा ये टीम। मैंने इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है क्रिक बस, और बाकी टीम आपके सामने मैं बनाऊंगा, ताकि कुछ लोगों को टीम बनाना नहीं समझ में आता टीम कैसे बनाए, कॉम्बिनेशन कैसे के रखें, तो उस तरह से। और बाकी अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो ताकि और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूँ ड्रीम इलेवन से रिलेटेड या फैंटेसी साइड से रिलेटेड, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली हुई है जो फैंटेसी साइट एक नहीं है फैन फाइट, उसके बारे में बताया। अगर अभी तक उसको आपने नहीं यूज़ किया या नहीं डाउनलोड किया, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो को लाइक करो और लिंक डिस्क्रिप्शन पे वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई हुई है श्रीलंका की, जो ये आप देख सकते हैं श्रीलंका ODT कप है जो ये, और ये मैच है दोनों, इन दोनों के मैंने कंबाइन बनाई है एक ही वीडियो में, दोनों मैच कवर किए हैं मैंने, उनका सिर्फ प्रीव्यू दिया आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। और उस वीडियो में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऑफ़र के बारे में भी बता दी है, जो ड्रीम इलेवन में ये ऑफ़र चल रहा है। तो आपको शायद समझ में आ गई हो, नहीं तो समझ में आया हो तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में राजस्थान वर्सेस चेन्नई की टीम दूंगा मैं आपको, तो चलिए अब शुरू करते हैं टीम के साथ साथ। ये सिर्फ टीम जो मैं बनाऊंगा ये स्मॉल लीग के लिए ये बेटर रहेगी, तो आप इस टीम को स्मॉल लीग पे ही यूज़ करें, ग्रैंड लीग पे ट्राई ना करें। और ग्रैंड लीग की टीम अगर आपको चाहिए तो मैंने बताया आपको, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। और यार, हम तुम लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, मतलब टीम देते हैं फ्री में, ग्रुप भी ज्वाइन करा रहे हैं, वीडियो भी देते हैं हर डेली, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। तो बात आती है विकेट कीपर, तो विकेट कीपर सबको पता है MS धोनी सबसे बेटर है, MS धोनी को लिया। जॉस बटलर भी अच्छे हैं, अगर आप ग्रैंड लीग बना रहे तो जॉस बटलर भी अच्छे हैं, लास्ट मैच में बहुत अच्छा इन्होंने खेला था। और फिर उसके बाद आती बैट्समैन की बात, तो बैट्समैन में हम लोग देखते हैं कौन कौन से अच्छे हैं। अंबती रेड्डी तो ठीक है, संजू सैमसन ठीक है, और नीचे राहुल त्रिपाठी, DRC शॉट लास्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, तो इनका कुछ पता नहीं। चलो अभी सारे अच्छे अच्छे ले लेते प्लेयर, और अगर पॉइंट्स की क्रेडिट्स की मतलब कमी आती तो हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। डोन ब्रावो, कृष्णप्पा गौतम दोनों अच्छे हैं, रविंद्र जडेजा भी अच्छे हैं, तो आप कृष्णप्पा के साथ जाएं, या फिर वो अभी हम बैलेंस टीम जब बनाएंगे तब देख लेंगे कैसा क्या करना है हम लोग को। जोशा अच्छा, और किसे लेना चाहिए, थोड़ा फोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना मतलब ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं कि इतना उसकी फ़ोन की हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर ऐसे वाला मैच खेलें, बहुत मैच ही नहीं खेलें इनका भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुरित सिंह खेल लेते हैं अभी तक, इन्हें हटा भी सकती है टीम, तो भाई बॉलर का तो कंफर्म नहीं है हमें, बॉलर कैसा क्या रहेगा। इस सोडी भी खेलना है लास्ट मैच, और श्रेयस गोपाल का क्या सिस्टम है, श्रेयस गोपाल लास्ट मैच नहीं खेले थे, हरभजन सिंह तो खेलेंगे, ग्यारह तारीख हरभजन सिंह खेले, तो हरभजन सिंह को लेते हैं यहाँ पर। बॉलर थोड़े अच्छे मिल नहीं पा रहे, तो आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा अच्छे अच्छे जो अच्छा खेलें, जिनके बारे में आपको न्यूज़ मिले, जो मतलब खेल सकते हैं, बाकी मुझे तो अभी कोई न्यूज़ नहीं है। तो बैट्समैन मैंने दो चेन्नई के लिए हुए हैं, दो राजस्थान के लिए हुए हैं, और एक हो गया हमारे पास विकेट कीपर, तो चेन्नई के ज़्यादा हो रहे हैं तो इनको हटा दो। तो अभी बैलेंस हो गए हमारे बैट्समैन कुछ, फिर अब ये बेन स्टोक भी बैट्समैन में आ गए, तो शेन वॉटसन उनकी जगह बैट्समैन पे आ गए, फिर कृष्णप्पा गौतम भी बैटिंग पे बढ़िया हैं, तो इनको बेन स्टोक को ड्रॉप कर दो, इनको ले लो डोन ब्रावो।
बाकी फिर आप 8.5 आपके पास क्रेडिट बचेंगे तो आप बैट्समैन पे आओ। बैट्समैन लास्ट राहुल त्रिपाठी आपके पास अच्छी ऑप्शन है। राहुल त्रिपाठी आपके पास अच्छी ऑप्शन है पर ये लास्ट मैच नहीं खेले थे शायद। और DRC शॉट ये खेल सकते हैं, इनको मैंने लास्ट मैच में वाइस कैप्टन बना रखा था। DRC शॉट को वाइस कैप्टन बना रखा था पर ये खेले नहीं थे। DRC शॉट को ले लेते हैं, अगर नहीं खेलते तो आप उनकी जगह राहुल त्रिपाठी को ले लें या फिर ये कल्सन, क्योंकि कल्सन खेलते हैं बढ़िया खेलते हैं। अगर इन्हें खिलाएंगे टीम तो इन्हें, तो आपके पास ये तीन ऑप्शन रहेंगे या फिर एक आप कहीं से पॉइंट्स मैनेज करके फाफ डू प्लेसिस को ले लेना। तो ये थी टीम जो मैंने बनाई अभी तक जो मेरे हिसाब से बढ़िया गए। कैप्टन हम बताइए टू को बना देते हैं वाइस कैप्टन शेन वॉटसन, या फिर कैप्टन इनको बना दो वाइस कैप्टन इन्हें बना दो या वाइस कैप्टन इन्हें बना दो, जो मस्त आपको लगे बढ़िया प्लेयर। ये तो टीम मैं आपको एक तरह से बस हिंट के लिए देता हूँ कि ये टीम बन सकती है, छोटी मोटी स्मॉल लीग में लग सकती हैं और कभी कभार अच्छा भी स्कोर कर देती हैं टीमें। और बाकी आप देख सकते हैं सारे प्लेयर अच्छे हैं मेरे पास। टीम अगर अच्छे स्कोर नहीं करती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप में आपको अपडेट मिलती रहती है हर प्लेयर की जहाँ तक। और DRC शॉट कंफर्म नहीं है पर मैंने इन्हें टीम में घुसेड़ के रखा हुआ है क्योंकि पॉइंट्स की क्रेडिट्स की कमी थी। अगर ये बहुत बढ़िया प्लेयर है आप समझ सकते हैं, इनको PSL में भी इन्होंने अच्छा किया था और IPL में अच्छा करते आ रहे थे तो टीम इन्हें मौका फिर से देगी, तो ये टीम बन सकती है अच्छी बढ़िया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको श्रीलंका ODD की टीम देखनी है तो आप उस वीडियो को भी हमारी देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद जय भारत।